भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से जिला कांगड़ा के पालमपुर उपमंडल के परौर में कोविड 19 रोगियों के लिए मेकशिफ्ट अस्पताल का लोकार्पण किया। प्रथम चरण में अस्पताल में 250 बिस्तर क्षमता होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस मेकशिफ्ट अस्पताल के लिए प्रदेश सरकार को भूमि प्रदान करने के लिए राधा स्वामी सत्संग ब्यास का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास के समय से भी रोगियों तथा उनके परिजनों को भोजन प्रदान करेंगे, जो कि मानवता की महान सेवा है। उन्होंने कहा कि कोविड 19 के रोगियों का बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए इस मेकशिफ्ट अस्पताल के सभी बिस्तरों के साथ ऑक्सीजन आपूर्ति उपलब्ध है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार रोगियों को सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना में क्षमता निर्माण पर बल दे रही है। प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा 15 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 30 मीट्रिक टन किया है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से इस कोटे में 10 मीट्रिक टन की वृद्धि करने का आग्रह किया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने डी टाइप सिलेंडरों की संख्या भी 2500 से बढ़ाकर लगभग 6300 कर दी है, जिससे ऑक्सीजन की भंडारण क्षमता 25 मीट्रिक टन तक बढ़ गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में बिस्तर क्षमता को भी 1200 से बढ़ाकर लगभग 5000 कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड 19 रोगियों का समय पर पता लगाने पर बल दे रही है, ताकि उन्हें समय पर उपचार प्रदान किया जा सके। राज्य सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि रोगियों को कोविड अस्पतालों और कोविड देखभाल केंद्रों में उचित और समय पर उपचार मिले। उन्होंने कहा कि ये संतोषजनक है कि गत दिनों के दौरान कोविड के रोगियों की स्वास्थ्य लाभ दर 83% तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों से लगातार संपर्क बनाया जाए, ताकि उनके स्वास्थ्य मानकों की निगरानी की जा सके और उनका उचित उपचार किया जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड रोगियों का शीघ्र स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार मरीजों को होम आइसोलेशन किट भी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये किट कोविड रोगियों को शीघ्र उपलब्ध हो। उन्होंने प्रदेश को इस महामारी से निपटने के लिए प्रदान की गई सहायता के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने इस अवसर पर कहा कि परौर में निर्मित मेकशिफ्ट अस्पताल शेषकर कांगड़ा के लोगों को बेहतर कोविड उपचार प्राप्त करने में सहायता सिद्ध होगा। उन्होंने इस परोपकारी कार्य के लिए राधा स्वामी सत्संग ब्यास का आभार व्यक्त किया और प्रदेश को इस कठिन समय से बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों की भी सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश में कोविड से निपटने में विभिन्न धार्मिक संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका सराहनीय है। उन्होंने कहा कि परौर में मेकशिफ्ट अस्पताल रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा और स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी मुख्यमंत्री के साथ शिमला में उपस्थित थे, जबकि लोकसभा सांसद किशन कपूर व राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी इस अवसर पर परौर में उपस्थित थी। उसका वर्चुअल तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है, डेडिकेट किया है। और इस मौके पर शिमला से हमारे डॉक्टर राजीव सैजल जी स्वास्थ्य मंत्री और हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता सांसद लोकसभा श्री किशन कपूर जी, हमारे आदरणीय राज्यसभा की सांसद कुमारी इंदु गोस्वामी जी की उपस्थिति में और जो हमारे अलग अलग पंचायतों के प्रतिनिधि यहां पर आए हुए थे, संगठन के लोग आए हुए उपस्थिति में आज इसको लोकार्पित किया गया है। यानी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है और पॉजिटिव मामले भी बहुत आए, ठीक होकर के भी गए, परंतु ये जो आज एक ब्लॉक 64 बिस्तरों का
डेडिकेट किया गया है जिसको आगे 250 बेड तक ले करके जाना है। और जैसे अभी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि आने वाले दिनों की चुनौतियों से निपटने के लिए कोरोना से संबंधित इस संख्या को 1000 से अधिक भी हम ले जा सकते हैं, इसलिए आज यहाँ पर इसका डेडिकेट किया गया है। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का आभार, स्थानीय प्रशासन का आभार प्रकट करना चाहता हूँ और डॉक्टर साहिबान जो यहाँ पर जिनको लगाया गया है वो पूरी सेवाएं अब आज से देंगे, उनका आभार। हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस कर्मचारी, उनका आभार। पिछले कल कुमारी इंदु गोस्वामी जी यहाँ आई थी और उन्होंने LED और वाटर डिस्पेंसर यहाँ पर भेंट किए हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि नेताओं का, लोगों का बहुत बड़ा समर्थन इसमें प्राप्त हो रहा है। तो आगे जितने ब्लॉक्स बनने हैं उन ब्लॉक्स में कॉफ़ी मशीन, LED और वाटर डिस्पेंसर जितने लगने हैं वो मैं अपनी ओर से देना चाहूँगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोरोना पेशेंट अस्पताल में आता है तो उसके दिमाग में स्ट्रेस रहता है। यहाँ पर शबद कीर्तन का भी प्रावधान किया गया है, यहाँ पर LEDs लगाई गई हैं, यहाँ पर CCTV कैमराज लगाए गए हैं, वाटर डिस्पेंसर यहाँ पर लगाए गए हैं, यहाँ पर वाईफाई का प्रबंध किया गया है और बहुत ही खुशनुमा माहौल है। इंटरकॉम की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो मैं सभी का धन्यवाद और विशेष करके राधा स्वामी सत्संग व्यास और प्रोज की इस कमेटी का आभार, बाबा जी का आभार कि इस संकट में, आपदा में आपने जो मनोबल बढ़ाया है और सारी सेवाएं इस महामारी से निपटने के लिए अर्पित कर दी हैं। बाबा जी आपका बहुत बहुत आभार, आपके चरणों में बार बार नमन। हमारे दोनों नेता आज इस कार्यक्रम में इस कोरोना हॉस्पिटल को डेडिकेट करने के समय उपस्थित रहे, आपका भी, हम दोनों सांसदों का, श्री किशन कपूर जी का, कुमारी इंदु गोस्वामी का, हमारे संगठन के कांगड़ा के अध्यक्ष श्रीमान चंद्रभूषण नाग जी का। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।